हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है थर्सडे, थर्सडे है और आज, और अभी जस्ट हम लोग फ्रेश हुए हैं और कॉफ़ी पिए हैं, और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। आप लोग पूछेगा नहीं क्या हुआ पुष्पा, इतनी खुश क्यों है? तो फ्रेंड, इसलिए मैं खुश हूँ कि मेरा भाई आने वाला है, और जो बिहारी, एक्चुअली जो मिथिला तरफ के हैं, उन्हें मालूम होगा खेसारी साग क्या होता है। और खेसारी साग जो है इसी मौसम में होता है, और इस पर मैंने एक ब्लॉग भी बहुत पहले बनाया था, तो आप वो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये साग जो है, वैसे तो मुझे हर एक साग पसंद है, लेकिन खेसारी साग जो है वो मुझे स्पेशली बहुत पसंद है। मुझे और मेरी सिस्टर को, ये दोनों को बहुत पसंद है। तो वो तो बैंगलोर से बहुत जल्दी अपनी मम्मी के पास पहुँचने वाली है, तो वो तो खाती रहेगी, क्योंकि ये ठंड के मौसम में ही होता है, तो वो तो खाती रहेगी। पर मेरा भाई मेरे लिए जो है स्पेशली लेके आ रहा है, तो इस बात का मुझे बहुत खुशी है कि मुझे भी खाने को मिलेगी। मैंने यहाँ पे उसका प्राइस पूछा। एक दिन मैं ऐसे सब्जी मंडी गई थी, तो साग तो मैं हर बार जब भी मैं सब्जी मंडी जाती हूँ तो साग लेती हूँ, चाहे लाल साग हो या मेथी साग हो, या फिर क्या बोलते हैं उस साग का क्या नाम, अभी देखिए नाम नहीं याद आ रहा है, पालक साग, चाहे पालक साग हो, कोई भी साग हो, मैं साग तो लेती हूँ, क्योंकि मुझे साग बहुत पसंद है, स्पेशली खाना तो लेती ही हूँ। और मेरे बहुत सारे ब्लॉग में आप लोग देखे भी होंगे साग को, तरह तरह के स्टाइल में आलू दे के, तो मसाला दे के अलग अलग स्टाइल में बनाती रहती हूँ। तो अभी जो है खेसारी साग का मैंने प्राइस पूछा था, तो उसने कहा 15 रुपये पौवा, मतलब 15 रुपये में सिर्फ 250 ग्राम मिलेगा आपको। और जहाँ मेरी मम्मी लोग रहती है वहाँ पे भी प्राइस है, लेकिन खेसारी साग इस मौसम में थोड़े सस्ते में मिल जाते हैं। और मेरी मम्मी का हाथ का बहुत टेस्टी होता है, मेरी मम्मी के हाथ का, तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो मेरा भाई लेके आ रहा है, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड। आप समझ ही सकते हैं कि मैंने इस पे कितना लंबा चौड़ा एक स्पीच दे दिया। तो मुझे ये साग और स्पेशली खेसारी साग कितना पसंद होगा। उसके बाद मेरी बेटी का भी फरमाइश पे आ रहा है गाजर का हलवा। मेरी बेटी भी मम्मी को स्पेशली फ़ोन करके बोली, मम्मी नानी आप अपनी बेटी से बात मत कीजिए, मुझसे बात कीजिए, मुझे गाजर का हलवा, कुकीज़, चॉकलेट ये सब भेज दीजिएगा। तो मम्मी जो है ये सब भी भिजवा रही है, ये सब भी मेरे छोटे वाले भाई को ऑर्डर दे दी कि चलो गाजर का हलवा तो मैं बना दूंगी, कुकीज़ वुकीज़ क्या क्या मेरी नतनी बोली है वो सब लेके आओ। तो मेरा छोटा वाला भाई वो मार्केट से लेके रख दिया है, मेरा बड़ा वाला भाई जब जिसकी शादी हो रही है वो आएगा तो लेके आएगा। फिर मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगी, वैसे तो मैं इसका स्पेशली एक ब्लॉग बना चुकी हूँ, उसमें मैं इसे दिखा चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मैं दिखाना चाहूँगी। ये गोरिल्ला ट्राईपॉट है, इस ट्राईपॉट ने मुझे बहुत साथ दिया। जब ये ट्राईपॉट नहीं था तब मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी वीडियो वीडियो बनाने के लिए, जिसमें स्पेशली दोनों हैंड्स फ्री करके कुछ काम करना रहता था, तब मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, जो प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो गया इस ट्राईपॉड के आने के बाद। अब जो है मैं दोनों हाथों से कुछ भी काम कर सकती हूँ, वीडियो बना सकती हूँ। फ्रेंड, ये मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से, ऑनलाइन शॉपिंग की थी, मंगवाई थी, और बहुत सही भी है, अभी तक साथ दे रहा, क्योंकि कितना महीना, 2-3 महीना हो गया, और मैं इसे अक्सर यूज़ करती हूँ। मतलब अभी तो मैं हाथ से रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन जब से ये आया है तो मैं इसी से रिकॉर्ड करती हूँ, और रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी से हो जाती है, और स्टैंड भी बहुत अच्छा से। तो पहले क्या था कि एक टेबल लगाओ, फिर पिल्लो डालो, फिर इसका जो मोबाइल का एंगल है वो सेट करो, कभी कभी तो ऐसा होता था कि रिकॉर्ड कर रहे हैं, अचानक से मोबाइल गिर गया, धराम हो गया, पिल्लो इधर उधर हो गई, कुछ हो गई, तो मोबाइल गिर गई वहाँ से, कितना बार मेरा मोबाइल ऐसे में गिरा है। तो इसके आने से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। और मैं बड़ा वाला भी ट्राईपॉड लूँगी, जिसमें बड़ा सा स्टैंड करके जिधर भी मूव करना चाहे कर सकते आराम से, तो वो भी लूँगी, लेकिन वो लूँगी आप लोगों का सब्सक्राइब के रूप में, ढेर सारा प्यार मिलेगा, और जितने सब्सक्राइबर उसका कम से कम उसका आधा भी व्यूवर मुझे मिले तभी, क्योंकि सब्सक्राइबर तो बहुत प्यार देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, उसके बाद वो देखते ही नहीं है। तो सब्सक्राइब किए हो, प्यार किए हो, तो व्यूवर भी
कंटिन्यू बनो ना। हाँ देखो भी मेरा वीडियो, तो मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन अच्छा खासा सब्सक्राइबर होंगे और अच्छे खासे व्यूवर भी आएंगे मेरे चैनल पे, तब मैं वो ट्राइपॉड लूँगी। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँ। कुछ चीज़ें होती है ना, इंसान मतलब मन में ये कर लेता है कि ऐसा होगा तब मैं वो काम करूँगी। तो मैंने भी ठान लिया है कि जब मेरे अच्छे खासे कम से कम 1000 क्रॉस कर जाएंगे सब्सक्राइबर, और उसके आसपास व्यूवर आएंगे जो मुझे कम से कम 500-600 तक लाइक जरूर देंगे उस टाइम में, तो मैं जरूर बड़ा वाला ट्राईपोर्ट लूंगी। और मैं इंतजार कर रही हूँ उस दिन का, जिस दिन ये प्यार आप लोगों से मुझे मिलना शुरू हो जाएगा, जिस दिन मिलने लगेगा। फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है ना कि बोलते बोलते कुछ वर्ड्स इधर से उधर हो जाते, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। प्लीज उसके लिए कुछ ऐसा कमेंट मत कीजिएगा। जुवानी तो है, बात करते करते थोड़ा सा हो जाता है। और आप लोगों से इतना क्लोजली मतलब रिलेशनशिप है ना, इतना फ्रेंकली मतलब रिलेशनशिप है ना आप लोगों से, कि मैं सोचती हूँ घर ही में तो बोल रही हूँ, अपने ही फ्रेंड्स के सामने तो बोल रही हूँ, अगर दो दो बातें इधर उधर हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस टाइप का फीलिंग्स आती है, तो वो हो जाती है, तो उसके लिए मैं सॉरी भी फील करती हूँ। और आप लोग गलत कमेंट्स ना करें, गलत जज ना करें। और कम अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है या कुछ आप पूछना चाहते हो या किसी तरह के आपके मन में सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। क्योंकि मेरी कुछ ऐसी फ्रेंड है क्लोज की, वो मेरा ब्लॉग तो जरूर देखती है, पर उनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेती है कि क्या बोलते हैं पुष्पा ऐसे ना ऐसे। तो आप कांटेक्ट करने से अच्छा है कि कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। हाँ पर कमेंट करने का मतलब ये नहीं कि जो जुबान पे आए फटाफट कर दे, मतलब कमेंट करने का मतलब है कि वाजिब क्वेश्चन होना चाहिए, वाजिब बात होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होनी चाहिए। जो ये करते उसका जब मैं सवाल का जवाब देती हूँ ना, तो कुछ व्यूवर मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम ये तो क्वेश्चन था ही नहीं। तो मैं बता दूँ कि कुछ मेरे जो लोकल फ्रेंड्स क्लोज फ्रेंड्स क्लोज तो सभी हैं, पर एक होता है ना जिनके पास मेरा कांटेक्ट नंबर है, तो वो सब मुझे क्या करती है, फटाफट फ़ोन ईजी लगता है, फटाफट फ़ोन उठा कर उसमें कर देते, इसीलिए वो नहीं दिखता है आप लोगों को। मैं बिग बॉस देख रही थी, पर बिग बॉस मुझे इस पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। दीपिका बहुत ज़्यादा लॉर्ड हो जाती है, कोई भी बात पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए बहुत ज़्यादा लगता है कि पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रही है, वो किसी से टॉक फाइट कर रही है, ऐसा लॉर्ड हो जाता है। जिस दीपिका हम लोग जानते, तो वो दीपिका तो बिल्कुल नहीं। और लास्ट लास्ट टाइम में उसका जो फेस है वो खुल के आ रहा है, सचमुच इतना दिन से वो फेक थी, लेकिन लास्ट लास्ट टाइम में जो है वो अपने आप को शो कर दे रही है कि वो कैसी है, ओरिजिनल कैसी है, ये लास्ट लास्ट टाइम में एकदम आ रहा है। और आज भी मैं देख रही थी, यही हुआ कॉलर जब कॉल किए थे एक शो में, तो नॉर्मल चैटेड पे नॉर्मल बात पर भी वो बहुत लाउड होके बोल रही थी, बहुत ये होके, तो वो जो है हकीकत सामने धीरे धीरे आ रहा है, कोई उसे छुपा ने से लाख चाहे छुपा नहीं सकता। अगर ये 1 मंथ और अगर ये एपिसोड चले, तो दीपिका का ओरिजिनल रूप एकदम फ्रंट में आ जाएगा, जो श्रीशांत को भाई भाई करते 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 यहाँ तक आई, कभी उन लोगों के बीच में कोई टॉक फाइट हो इतना जमके नहीं, जबकि हर एक पर्सन का, हर एक पर्सन के साथ हुआ, चाहे कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो उसका हुआ ही, लेकिन इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये पूरी तरह से फेक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सुशांत बहुत लॉर्ड हो जाता तो दीपिका दब जाती थी, क्योंकि दीपिका एकदम जानती है कि अगर मैं सुशांत से झगड़ा कर लूँ तो इस घर में और किसी के साथ मेरी ट्यूनिंग नहीं मिल सकती थी, इसीलिए वो चुप होके साइलेंट होके वो बहुत बड़े बड़े वर्ड्स भी बोले हैं। वहाँ पर भी दीपिका बोलती है मैं स्ट्रेन लेती हूँ, मैं स्ट्रेन लेती हूँ, पर जब वो इतने बड़े बड़े वर्ड्स बोलते थे तो क्यों नहीं होता था दीपिका के साथ बहस, क्योंकि वो दीपिका उस टॉपिक पे बोलती ही नहीं थी, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा एकदम ही। ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है, ये मेरा पर्सनल सोच है, जैसा मैं देखी हूँ बिग बॉस को, जैसा मैं देखते आ रही हूँ उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ, और कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इतना ही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन क्लिक करें, और ठीक उसके बगल में बेल बटन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। ओके बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का ख्याल रखना।